हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स के कुछ ऐसे बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने इस शॉर्टकट ट्रिक को सीख लिया तो आप लोग मैथ्स के हर सम को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रिक पसंद आएगा तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर को लिखें और वो न्यूमरेटर जितने बार है उसको उतने बार से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म है वो 5 बार है तो हम इसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाय देंगे। इसके बाद फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है यानी कि 1, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसका लास्ट टर्म यानी कि 11 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि 20/11। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर 20/11 आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस सम को करने के लिए आपको मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे। तो इस टाइप का सम आपका एग्जाम में आएगा ही। तो इसको करने का कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये कि जो हम लोग का न्यूमरेटर है ये सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हमारा ये रहा कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो डिनोमिनेटर है इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग का पहला टर्म का जो डिनोमिनेटर है अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो हमारा हो जाएगा 3-1=2, यहाँ पे हो जाएगा 5-3=2, 7-5=2, 9-7=2 और 11-9=2। देखिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और दूसरा बात देखिए, फर्स्ट टर्म और अगर आप सेकंड टर्म को डिनोमिनेटर को देखें तो इसका ये 3 और ये 3 सेम होना चाहिए, इसका ये टर्म और ये टर्म बराबर होना चाहिए 5-5, और यहाँ पर 7 और 7 बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे 9 और 9 बराबर होना। तो अगर ये सारी कंडीशन आपको यहाँ मैच करते हैं तब आपका ये ट्रिक यहाँ पे काम करेगा, नहीं तो इसमें काम नहीं करेगा। तो इसका दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए तब आपका ये ट्रिक काम करेगा। तो आपका ट्रिक क्या हुआ, जो भी न्यूमरेटर है उसको लिखिए और वो न्यूमरेटर कितने बार रिपीट है आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो पहला जो टर्म होगा यानी कि ये वाला, और इसका जो लास्ट वाला जो होगा आप इसको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो चलिए इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर है, हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर 2 है और ये देखिए कितने बार रिपीट है ये, यानी आप 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट है। हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम अपॉन लिखेंगे या बाय जो भी आप उसको बोलते हैं ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर का जो पहला जो नंबर है वो 1 है तो हम लोग यहाँ पर 1 को लिखेंगे। उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसका जो लास्ट वाला जो नंबर है वो 11, उसमें 11 लिखेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/11। वैसे इसको देखिए यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है वो 1 है और ये कितने बार रिपीट है, ये हमारा 5 बार रिपीट है तो इसको 5 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट टर्म का वो है 5 इधर तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और जो लास्ट वाला है वो है 15 यानी कि यहाँ पे 15 लिखेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे F5 B5 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा, 1/50, तो हमारा आंसर देखिए आएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहा एग्जाम तक तो आपका समझ लीजिए मैथ्स आपका बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए इस टाइप का सम भी बहुत आता है एग्जाम में, तो ये ऐसा सम है जो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इसका शॉर्टकट ट्रिक जान जाइएगा तो आपको ये सम आप 5 सेकेंड अंदर भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो जिसका आपको रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप ऐसा इसका दो फैक्टर चुनिए जिसको माइनस करने पे जिसका आंसर 1 आए। जैसे कि 35 का जो फैक्टर है, इसका दो फैक्टर है, जैसे कि एक फैक्टर इसका हो गया 6 और एक फैक्टर हो गया 5। तो देखिए अगर हम 6 और 5 को माइनस करें तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो हमको ऐसे ही दो फैक्टर चुनने हैं जिसका आंसर माइनस करने पे 1 आए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सीरीज है ये प्लस पे चल रहा है, देख सकते हैं हमारा सीरीज प्लस पे चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए दो फैक्टर में से एक है 6 और दूसरा है 5, तो जो बड़ा नंबर होगा फैक्टर में से, यानी कि 5 और 6 में से बड़ा क्या है हमारा, 6 है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। यही अगर मान लीजिए अगर ये माइनस पे चल रहा होता तो हमारा आंसर 5 होता, लेकिन अगर ये प्लस पे चल रहा है तो हमारा आंसर 6 होगा। बस आपको याद रखना, तो आप इसका आंसर उसके से 5 सेकंड में दे सकते हैं। तो चलिए इस टाइप का और एक सम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 42 का रूट निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो सीरीज है वो माइनस पे जा रहा है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले 42 का आपको फैक्टर निकालना है जिसका माइनस करने पे 1 आए। देखिए एक इसका फैक्टर है 7, दूसरा है 6, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो हम इस पर ट्रिक निकाल सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था इसका आंसर क्या होगा, तो अगर प्लस में चल रहा होता तो इसका आंसर 7 होता, लेकिन यहाँ पे हमारा सीरीज माइनस पे चल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 6। तो देखिए आपको मुश्किल से 5 सेकेंड के अंदर ही आपका ये सब। देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी एड 2651 × 685, तो इस टाइप का जो सम है वो आपका गारंटी है वो आएगा ही आएगा। तो अगर आप इसका शॉर्टकट ट्रिक सीख गए तो आपको अच्छा नंबर आपको ला सकता है ये एग्जाम में। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले देखिए ये जो नंबर दिया हुआ है इसका सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अगर मैं आप ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ओरली करेंगे तो आप फटाक से 5 सेकंड में कर दीजिएगा। इसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकालिए, 655 − 651, तो इसका डिफरेंस आएगा 4। फिर क्या करें, इस 4 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 2। फिर इस 2 का क्या करें, इस 2 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 4। तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर है 4। तो अगर आप इसमें 4 को प्लस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, इनमें से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो अगर आप इसका ट्रिक सीख जाएगा तो आप 1 सेकंड में इसका कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए आपको अगर 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है तो आपको कोई भी नंबर हो आप उसका लास्ट का 2 डिजिट देखिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये होगा कि पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 11 है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 12 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी नंबर भी देख सकते हैं 13 4 से डिवाइड नहीं होता है, 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 12। तो 4 का डिविजिट टेस्ट क्या है, आपको बस लास्ट का 2 डिजिट नंबर देखना है, अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो समझ लीजिए आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा।